हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सीकर। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जिन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहला जो एनिमल है वो है लेदर बैक टर्टल। लेदर बैक टर्टल ए जो IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया गया है। लेदर बैक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद नेस्टिंग साइट्स ऑन ट्रॉपिकल सैंडी बीचेस एंड फॉरेजिंग रेंज दैट एक्सटेंड इनटू टेम्परेट एंड सब पोलर रीजन। सो बेसिकली बाइड स्पीड है इनका जो हैबिटेट है, टर्टल इनहेबिटिंग ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर, एक्सटेंसिव माइग्रेशन, डिफरेंट फीडिंग एरिया, डिफरेंट सीजन्स। और इनके लिए जो मेजर थ्रीट्स हैं वो इंक्लूड हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, फिशरीज बैक कैच। इन जो फिशरीज होती हैं उनमें कैच कर लिया जाता है साथ में फिशेज के, जो इनके लिए काफ़ी बड़ा थ्रीट है। अगला जो हमारा एनिमल है ये है ओलिव रिडली। इसको IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। इसकी रेंज जो है थ्रू आउट ट्रॉपिकल वाटर पाया जाता है एक्सेप्ट मेक्सिको, तो ये मेक्सिको में नहीं पाया जाता है और पूरे ट्रॉपिकल वाटर्स में पाया जाता है। इसका जो हैबिटेट है मल्टीपल हैबिटेट्स हैं, माइग्रेशन लेस है कंपेयर टू अदर स्पीसीज एंड यूजुअली कैरीड बाय मेजर करंट्स, जो ओशियन के जो करंट्स होते हैं उनके साथ कैरीड विद देम और उनके साथ फ्लो करता है। ज़्यादा माइग्रेशन खुद नहीं करता है, एक्टिव माइग्रेशन नहीं करता है। इसके लिए जो मेजर थ्रीट्स हैं उनमें है टारगेटेड एक्सप्लोइटेशन, कैप्चरिंग वे कैच एंड फिशरीज, हैबिटेट इंपैक्ट, डिसीज एंड प्रीडेशन। तो ये इसके लिए मेजर थ्रीट्स हैं। अगला जो एनिमल है ये है बंगाल फ्लोरिकन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से और एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। इसकी दो पॉपुलेशंस बेसिकली इंडिया में पाई जाती हैं। पहली है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूपी, नेपाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन, और दूसरी जो इसकी पॉपुलेशन है वो साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया और वियतनाम में है। तो बेसिकली दो ही पॉपुलेशन है इसकी और इसीलिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। इसका जो हैबिटेट है लोलैंड, ड्राई नेचुरल एंड सेमी नेचुरल ग्रासलैंड्स एंड ओपन फॉरेस्ट इसके हैबिटेट है। इसके लिए जो मेजर थ्रीट्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रासलैंड, ओवरग्रेजिंग, इनअप्रोप्रिएट कटिंग, बर्निंग एंड प्लगिंग, रिजाइम्स, फ्लडिंग, डैम कंस्ट्रक्शन एंड इलीगल डेवलपमेंट। बेसिकली जो हैबिटेट डिग्रेडेशन या मॉडिफिकेशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब इसके लिए मेजर थ्रीट का कार्य करते हैं। अगली जो हमारी स्पीसी है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये ब्लैक नेक्ड क्रेन है, इसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है IUCN की। ये चाइना, लद्दाख, इंडिया, भूटान, यानी लद्दाख के रीजन में इंडिया में, इसके अलावा भूटान में और चाइना में पाई जाती है। एल्पाइन बॉग मीडोस एंड रिवराइन मार्सेस में पाई जाती है, लकिश्राइन मार्सेस में भी पाई जाती है। और इसके लिए मेजर थ्रीट्स हैं इंटेंसिव ग्रेजिंग एंड पेस्टिसाइड यूज रिजल्ट्स इन डिग्रेडेशन ऑफ ग्रासलैंड, यानी जो ग्रासलैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है वो इसके लिए मेजर थ्रीट है। अगला जो एनिमल या बर्ड स्पीसी हमारे पास है यह चीर पीसेंट। ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में रखी गई है और इसको इंडिया में कश्मीर रीजन में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में पाया जाता है और इसके अलावा पाकिस्तान और नेपाल में भी मिलती है। तो इसका जो हैबिटेट है रॉकी टेरेन डोमिनेटेड बाय श्रब, टाल ग्रासेस एंड स्कैटर्ड क्लम्ब ट्रीज, जो कि 1445 मीटर टू 3050 मीटर्स के बीच में जो एरिया है उसमें पाया जाता है। इसे हंटिंग से भी थ्रीट है, एक कंजप्शन इसका किया जाता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे डैम, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है तो उसके लिए भी ये थ्रीट फील करती है उन सब चीज़ों से। तो ये मेजर थ्रीट थी इस स्पीसी की।